हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड वन, एवरेज प्रॉफिट मेथड। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो क्या होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है उसके बेसिस के ऊपर जो एग्जांपल्स है या फिर क्वेश्चंस है उसको कैसे सॉल्व करना है। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है, उसमें आपको दो चीज़ें दी है, एक दिया है ईयर और दूसरा दिया है प्रॉफिट। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। ईयर है और प्रॉफिट है आपके पास 2011-12, उसका प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ दिया है। 2012-13 उसका प्रॉफिट 1,10,000 रुपीज़ दिया है। 2013-14 उसका प्रॉफिट 1,18,000 दिया है। 2014-15 उसका जो है वो प्रॉफिट आपको दिया है 2 लाख रुपीस। एंड 2015-16 उसका प्रॉफिट आपको दिया है 1,50,000 रुपीस। जैसे हमने थियोरी डिस्कस किया था तब हमने जो है वो बात की थी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो क्वेश्चन है वो दो स्टेप में जो है वो सॉल्व हो सकता है। कौन कौन से दो स्टेप? तो ये जो दो स्टेप्स वाला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप जो है वो है एवरेज प्रॉफिट। अगर आप एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो क्या करना है? हमने फॉर्मूला डिस्कस किए थे एवरेज प्रॉफिट के लिए, जब हम थियोरी डिस्कस कर रहे थे तब हमने फॉर्मूला को जो है वो डिस्कस किया था। एवरेज प्रॉफिट जो है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट की बात करें तो ये सब आपके प्रॉफिट से, इन सबका टोटल अगर इन सबका जो है वो एडिशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा। टोटल प्रॉफिट जो है वो मैंने यहाँ पे सब का एडिशन किया है। नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल है आपके पास? 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो नंबर ऑफ ईयर्स होगा 5। तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, इन सब का अगर हम एडिशन कर दे तो हमें मिलेगा 7,40,000 रुपीस। अगर सबका एडिशन कर दे तो हमें मिलेगा 7,40,000 रुपीस डिवाइडेड बाई 5। 7,40,000 रुपीज़ को 5 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास मिलेगा 1,48,000 रुपीज़, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है। तो पहला जो स्टेप है वो हमने सॉल्व कर लिया, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें मिला रुपीज़ 1,48,000 रुपीज़। दूसरा स्टेप जो है वो हमारा क्या है? गुडविल फाइंड आउट करना। गुडविल के लिए फॉर्मूला है आपके पास। जब एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात कर रहे हैं तो गुडविल के लिए आपके पास फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। अब आपका जो है वो क्वेश्चन, आपके दिमाग में जो है वो एक क्वेश्चन होगा कि ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस क्या है। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि कितने साल के जो है वो परचेस के बेसिस पे आपको गुडविल फाइंड आउट करना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिया है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स आपको गुडविल कंप्यूट करना है, मतलब कैलकुलेट करना है गुडविल 4 ईयर के बेसिस पे और ये जो 5 ईयर का एवरेज प्रॉफिट दिया है उसको यूज करके, बराबर। तो ये क्वेश्चन आपको, ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस है वो आपको क्वेश्चन में से मिल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट आपका है 1,48,000 रुपीस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो गुडविल मिल जाएगा। दो स्टेप, और ये जो है वो सबसे इजीएस्ट मेथड है गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। आपको सिर्फ एवरेज प्रॉफिट और गुडविल फाइंड आउट करना है, बराबर। सो आपका गुडविल आया रुपीज 5,92,000 रुपीज। अब आपको जो है वो फर्दर जो है वो क्या करना है, आपको फर्दर जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस में हम अब क्वेश्चन देते जाएंगे जो आपको सॉल्व करने हैं। आज का सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके से है, ईयर है आपके पास और आपको प्रॉफिट दिए हैं। ईयर तुम्हारे पास है 2014-15, उसका प्रॉफिट है 1,80,000। 2015-16 2,10,000, 2016-17 1,90,000 और 2017-18 2,20,000। कॉम्प्यूट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेस, 2 ईयर्स परचेस ऑफ लास्ट 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। ये आपको एवरेज प्रॉफिट इसके ऊपर से मिलेगा। एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला अप्लाई करनी है और गुडविल की फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो आपका जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके जो है
वो या तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें जो है वो फोटो भेज सकते हैं, या फिर हमारा जो स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें जो है वो सेल्फ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। और आप जो है वो ये क्वेश्चन थोड़ा सबमिट करवाए तो हमारा भी जो है वो पढ़ाने का जो है वो बूस्टअप हो, हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन है कि आप जो है वो ये सॉल्व करके ग्रुप में सबमिट करवाएंगे या फिर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में सबमिट करवाएंगे, तो प्लीज़ ये करिए आप। थैंक यू वेरी मच।